Hello, Anupam ji. Hello, Narikish ji. Hello, Jugal ji. Hello, Nina ji. Hello. Hashmi ji. Hey, hey! पट्टी वाले और चुंडी वाले हंस भी नहीं हैं, ये दूसरे वाले हैं। नहीं, दे हम भी सकते हैं, लेकिन ले लो। दीदी, हमने तो फ्लाइंग किस दे दिया, अभी वापस लेती हूँ। नहीं, नहीं, वापस मत लो, रहने दो। इनको भी इतना कुछ खराब नहीं लगा है, दिख रहा है। मर्द लोग को चलता है ऐसा। दीदी, जिंदगी में पहली बार हमने इतना हैंडसम लड़का देखा है, हम इन्हीं को डेट करेंगे। जुगल जी, देख रहे हैं आप, आपका मासूम सा चेहरा देख के हमारी बहन को भी आपसे प्यार हो गया है। नहीं दीदी, हम अनुपम जी की बात कर रहे हैं। हमारा बचपन से सपना था कि हम इनसे शादी करें। ओ वाह, शादी शुदा है वो, तुझसे शादी कैसे करेंगे? हाँ तो क्या हो गया दीदी, फिल्म करते करते ये वेब सीरीज भी तो करते हैं। एक शॉर्ट फिल्म कर लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। सब बेकार का बात करना नहीं है यहाँ पे। वैसे हंसराज जी, हम भी आपको एक सजेशन देते हैं, आप ना हमको अपनी बंदी बना लो। हाँ देखिएगा, फिर ऐसे मोहल्ले में हम घूमेंगे, सब कहेंगे वो देखो जुगल बंदी जा रही है। दीदी, हमको जुगल जी से कुछ सवाल पूछना है। जुगल जी से? हाँ पूछो पूछो, जरूर। जुगल जी मुझे बताइए, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा में, करेक्ट बोले हैं। इंडिया की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। वाह दीदी, इनको तो सब कुछ पता है, ये जुगल नहीं है तो गूगल निकले। वो जो निकले निकले, तू निकल के कहाँ जा रही है? अरे दीदी, जैसे फिल्म में अनुपम जी इज जाइंग टू अमेरिका टू मीट रॉकी, वैसे हम भी जाएंगे अमेरिका टू मीट जस्टिन बीबरवा। बीबरवा, कितने बोले हैं, नाम भी ठीक से ले नहीं पा रही है। जस्टिन बीबरवा, पहला ठीक से सीख लो, उनका नाम जस्टिन बीबरवा नहीं है, उनका नाम है जस्टिन वा बीबर। जी बोलती है। और ये ट्रॉली ब्रॉली यहाँ क्यों आ गए हैं? एयरपोर्ट जाना जाना है तो। दीदी, हम एयरपोर्ट गए थे, हम तो जहाज में भी बैठ गए थे, तभी मुझे आपकी याद आ गई। कैसी बहन, प्यारी बहन है हमारी। जहाज रुकेगा नहीं, चला जाएगा जहाज? नहीं दीदी, जहाज नहीं जाएगा। क्यों? हम जहाज के टायर के आगे ईट रख के आए हैं। कितनी प्यारी है, जहाज के टायर के आगे ईट लगाई तो जहाज नहीं जाएगा। एरोप्लेन है वो ऐसे चलता नहीं है, उड़ता है, उसको रोकना है तो आगे नहीं, ईंट को उसके ऊपर रखना पड़ेगा। बहुत पगली है। बाप रे। अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है यूएसए के लिए? दीदी उतनी तो नहीं आती, लेकिन हाँ 20 रुपए की इंग्लिश सीखी है हमने। 20 रुपए की इंग्लिश क्या होती है? 20 रुपीज। ट्रांसलेशन नहीं मांग रहे हैं, 20 रुपए की अंग्रेजी से नहीं चलेगा यूएसए में। बेकार का बात करती है, और वहां पे जाके खर्चा भी बहुत होता है यूएसए में, डॉलर में बहुत पैसा लगता है। पैसा है तेरे पास? अरे दीदी, जो आपने पुश्तैनी मटके में पैसा रखा था ना, वो सारा हम ले लिए। वो मटका हमने अपनी शादी के लिए रखा था। दीदी हमने सिर्फ पैसे लिए, मटका अभी भी वही है, आप शादी कर सकती है। ऐसी बातें करती है, पैसा हमारा इसमें है, इसमें है ना पैसा, ये अब हमारे पास रहेगा। तू जा, अमेरिका कोई नहीं जा रहा है, जा। नहीं दीदी, हम अमेरिका जाएंगे। नहीं जाएंगे, हमने जस्टिन बीबर के लिए शेर लिखा है। तो उसके लिए इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, मेहमान यहाँ पर भी बैठे हैं, तू शेर यहीं पे सुना दे। अरे दीदी आप समझ नहीं रही हैं, शेर में जस्टिन बीबर का नाम भी है ना। तो इसमें क्या है, वो नाम हटा के इनका नाम डाल दे और कह दे इन्हीं के लिए लिखा है, इनको क्या पता चले। ओके दीदी, जुगल जी रात दिन एक करके हमने आपके लिए एक शेर लिखा है, अर्ज करती हूँ। दारू पीने से खराब होता है लीवर, दारू पीने से खराब होता है लीवर, यू आर माई फेवरेट जुगल हंसराज। दीदी इन पे नहीं बना, अनुपम जी भी बनाती हूँ मैं। बनाओ बनाओ। अनुपम जी, दिन रात एक करके हमने आपके लिए शेर लिखा है, अर्ज करती हूँ। दारू पीने से खराब होता है लीवर,
You are my favorite Anupam Kher. Didi, दोनों rhyming नहीं बनी, अब तो मैं US जाऊंगी। नहीं US जाने का कोई जरूरत नहीं है, rhyming नहीं बनाना क्या? Favorite Anupam Kher. Didi, you are so intelligent. अर्ज किया है। जी, इच्छा। दारू पीने से नहीं खराब होता है liver, खराब होता है पैर. You are my favorite Anupam Kher. अरे बाप रे। राइम मिल गई दीदी, थैंक यू। शायरी का इसको बड़ा शौक है, बैठ के लिखती रहती है। जी जी, थैंक यू। हाँ, वेलकम वेलकम। ये शायरी अच्छी लिखती है, कभी कभार छोटा कभी। थैंक यू। हाँ, वेलकम वेलकम, बोला ना, वेलकम वेलकम। ठीक है, शायरी लिखने का शौक है, हमको भी अच्छा लगता है कभी कभी। अरे माना, सुन लिया, बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, बात खत्म कर ले थोड़ा। तो शायरी लिखती है कभी कभी, हम भी बगल में बैठते हैं और हम भी अपना लिखते हैं। अरे सुन लिया ना, दो मिनट बात करने दे। थैंक यू, कहीं पीछे पड़ गई है। यू आर वेलकम। लिखती है, हमको भी शौक है, हम कभी बैठते हैं इसके बगल में, हमारे दिमाग में अचानक से। राजीव, कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक्टर्स का प्रोफाइल का बड़ा चक्कर होता है कि मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, मेरे को इस तरफ खड़ा कर दो, ऐसा होता है? हमारे टीम में तो नहीं होता। तो बाजी, आप ग्राउंड की बात कर रहे हो ना, तो हमने दो मैचेस के लिए बॉबी को कैप्टन बनाया था। अच्छा, तो टीम गई अंदर, तो शबीर गया बॉबी के पास, सेट द फील्ड। बॉबी से सेट द फील्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मेड। बॉबी जाता है, यू गो देयर, 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 यू कम लिटिल क्लोज, यू गो देयर, फील सेट। ये भाई सेकंड वाले में हुआ था, फर्स्ट वाले में बॉबी भाई ने बोला जहां मर्जी छाया वगैरह दिखती खड़े हो जा भाई। बॉबी इज टू कूल। सुधीर बाबू हमारे जो हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये पहले प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं और अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं और खेल से इनको इतना प्यार है। सुधीर बाबू, कोई तो बता रहा था कि आप लूडो के भी लीग शुरू करने की सोच रहे हैं, इज इट ट्रू? लूडो प्लेइंग, आर यू ट्राइंग टू स्टार्ट ए लीग ऑफ लूडो? इज इट ट्रू और इज इट जस्ट अ र्यूमर? नहीं, अर्चना जी पूछ रही थी, आप तीन पत्ती खेलने के लिए पैसे उधार देते हैं? जुआ खेलने में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई वांट टू टेल यू समथिंग, व्हाटएवर ही सेज दैट आई हैव सेड, इट्स अ कंप्लीट लाई, सो डोंट बिलीव हिम एट ऑल। नो नो नो, आई एम जेन्युइनली सेइंग, यू नो, इनके जो हस्बैंड है, हस्बैंड मिस्टर प्रमीत सेट्टी, उनको भी इन्होंने जुए में जीता था। I just wanted to say one thing. Like, Sicily is like something for us. We all played heroes in real. But it's a chance for us to be real heroes. And I remember one of my team member came back and once told me that Manoj Tiwari bhai said something like, then one of his fans came and asked, in films you jump from here, jump from there, why are you not catching the ball right going next to it? Then you have to listen to this answer. Then he said, no, no, that's a secret. In case I do it now, people will know. Oh! That's the reason I'm not doing it. That's what he said. That's a sense of humor he's got. The great answer, yeah. Wow. निरहुआ भैया, मैंने देखा आप मनोज भैया के बहुत डाई हार्ड फैन हो, हम भी हैं, पर मैंने देखा जैसे ये गाने गायकी में आए, ये गायकी में, उसके बाद ये फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आगे पीछे पीछे, है ना, ये पॉलिटिक्स में आए, ये भी पीछे पीछे पॉलिटिक्स में आ गए। अच्छा। इनका जन्मदिन 1 फरवरी को होता है, इनका पीछे पीछे 2 फरवरी को। है ना? नहीं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल को अगर मनोज भैया जेल गए कंबल बांटने, आप पीछे पीछे जाओगे? हमारे जीवा भाई जो हैं चेन्नई राइनो से हैं, इन्होंने 83 फिल्म में श्रीकांत सर का रोल भी किया था। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने वो रोल बड़ा कमाल का किया था। थैंक यू सो मच फॉर द एलिवेशन, बहुत अच्छा था। जीवा भाई, आपने श्रीकांत सर का रोल किया 83 में, आपने अपनी टीम के कोच को बोला या कैप्टन को बोला कि श्रीकांत सर तो ओपनिंग करते थे तो मुझे भी ओपनिंग के लिए भेजो? हाँ जी, नहीं, पहले से ही मैं ओपनिंग ही करता था। अच्छा, ओपनिंग बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग। ओहो, सवाल खराब हो गया मेरा। मुझे CCL खेल रहा था, सो लाइक आई थिंक लास्ट 6 इयर्स से हम खेल रहे हैं और एक ही शॉट खेला मैं, वो फोर गया।
उसमें सेलेक्ट हुआ मैं 83 का. अच्छा. बलविंदर संधू सर ने सेलेक्ट किया. अच्छा ये तो श्रीकांत जैसा चिका जैसा खेल रहा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम. वाह. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. 83 वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. हमारे गणेश जी कर्नाटका बुलडोजर से हैं. इनको गोल्डन स्टार गणेश भी कहते हैं. तो गणेश जी, अर्चना जी पूछ रही थी आप कितने कैरेट के हैं. गोल्डन स्टार गणेश क्यों कहा जाता है गणेश आपको? सर मैं 2003-04 में एक शो कर रहा था. अच्छा जी. उस शो का नाम था कॉमेडी टाइम. अच्छा. ओके. वो बहुत हिट हुआ था कर्नाटका में. तो उसके बाद मैं फिल्म एक्टर बना. ओके. तो मेरे पहले जो फिल्म्स किए वो पूरा हिट हुए. तो मेरे कर्नाटका के लोगों ने मुझे गोल्डन स्टार बुलाया. मैं गोल्डन स्टार नहीं हूँ सर, मुझे बनाने वाले गोल्डन स्टार हैं. एंड आपने पूछा कितने कैरेट के, उनका जो प्यार है उतने कैरेट का हूँ. ब्यूटीफुल. ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं निंजा पाजी पंजाब टीम से, पंजाब दे शेर, मैं आपको बता दूं कि मैं जब से इनको जानता हूं इनकी गायकी वजह से जानता हूं और बड़ी कमाल रूदारी गायकी करते हैं. और पाजी ये क्रिकेट वाला चस्का कब लगा आपको? मुझे पता चला कि आप सिंगर बनने से पहले भी खेलते थे. जी पाजी, मैंने मतलब कोई भी स्पोर्ट्स छोड़ा नहीं पाजी. अच्छा. मतलब चाहे कुश्ती है, चाहे कबड्डी है, चाहे क्रिकेट है. और क्या बात. जिस स्ट्रगल से आप, मैं और सभी, जैसे बिनू पाजी को हम देखते देखते बड़े हुए हैं पाजी, सोनू पाजी को, सोहल पाजी को. इतना बड़ा तो नहीं हूँ पाजी. नहीं सैडली बहुत रिस्पेक्टेड हो. और पाजी स्ट्रगल दे विच सारा टाइम अपने आर्ट नू मतलब चमकाउण लई लग गया. वो बच्चा उदों उत्थे ही रह गया. तो वहाँ पर जो बच्चा था वो आज फिर वही जवान होकर CCL में खेलेगा. और अच्छा बात. और राजू तू कौन? राजू कैसा राजू? पुष्पराज. झुकेगा नहीं साला. झुकेगा नहीं, पिटेगा जरूर तू आज. ये जो तू सोहेल भाई पहचाना है आपने? 8 नंबर. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.